हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रधान ग्रुप स्पेशल डील इन IMT खरखुदा, इंडस्ट्रियल लैंड NOC जोन, CLU लैंड R जोन। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000। शनिवार को वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य झांकी निकालकर वाल्मीकि जयंती मनाई गई। जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रयास संगठन अध्यक्ष नवीन दहिया ने किया। उन्होंने बताया कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, वह उनके द्वारा लिखी गई रामायण आज भी प्रासंगिक है। वाल्मीकि समाज प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाता है। भगवान वाल्मीकि ने जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में सार्थक करके मार्गदर्शन किया। जयंती के अवसर पर झांकी का आयोजन किया गया। झांकी में लवकुश, राम दरबार, वाल्मीकि सीता मिलन व हनुमान और लवकुश के युद्ध की आकृतियां बनाई गई। झांकी को वाल्मीकि मंदिर से शुरू करके हरिजन चौपाल से होते हुए ब्राह्मण दरवाजा, थाना कला चौक से दिल्ली चौक से होते हुए वापस वाल्मीकि मंदिर पर समापन किया गया। इस अवसर पर दिनेश सोदा, राजकुमार बंटी, पंकज सतपाल आदि मौजूद थे। खंडर रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में प्रातःकालीन सभा के दौरान अंतरसदनीय हिंदी कविता गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंच का संचालन हिंदी अध्यापिका सुमंत द्वारा किया गया। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को 3 सदनों में बांटा गया, सत्यम, शिवम व सुंदरम। यह प्रतियोगिता कक्षा 4वीं व कक्षा 5वीं के 3 सदनों के विद्यार्थियों के मध्य कराई गई। हिंदी कविता गायन के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रकृति व भारतीय पर्व विषय दिए गए। विद्यार्थियों द्वारा बहुत ही प्यारी प्यारी कविता व गीत सुनाए गए, जिनमें प्रकृति से संबंधित विवरण व हमारे भारतीय त्योहारों के बारे में गायन के माध्यम से बताया गया। जज की कुर्सी का भार PRT कोऑर्डिनेटर अध्यापिका रितु व अध्यापिका सुमित्रा द्वारा संभाला गया। 5वीं कक्षा में सत्यम सदन से छात्रा भावी ने प्रथम स्थान, कक्षा 5वीं में शिवम सदन से यशवी ने द्वितीय स्थान और कक्षा 4वीं में सुंदरम सदन से लक्षिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शनिवार को बिरला इंटरनेशनल स्कूल में CBSE अंडर 19 बॉय फुटबॉल टूर्नामेंट में लगभग 12 मैच स्कूल मैदान में खेले गए। रविवार को सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वेदांश गुड़गांव की टीम ने RPS खाटू महेंद्रगढ़ को हराया। DPS फरीदाबाद ने PDM बहादुरगढ़ की टीम को हराया। लिटल एंजल सोनीपत ने दत्ता स्कूल हिसार को हराया। मॉडर्न दिस फरीदाबाद स्कूल ने हिंदू स्कूल सोनीपत को हराया। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की टीम ने स्कॉलर स्कूल झज्जर को हराया। सेंट जॉन स्कूल फरीदाबाद की टीम ने DPS महेंद्रगढ़ की टीम को हराया। हेरिटेज स्कूल ने सेंट थॉमस बहादुरगढ़ को हराया। नमन मुंजल गुरुग्राम की टीम ने बेस मॉडल दादरी को हराया। इससे पहले जिसमें वेदांत स्कूल ने 3 गोल करके शानदार जीत हासिल की। दूसरा मैच RBSM गुड़गांवा और JPS करनाल के बीच हुआ, जिसमें RBSM गुड़गांवा की टीम ने अपने प्रतिद्वंदी टीम को हराया। तीसरा मैच गायत्री स्कूल हिसार और डाटा हिसार स्कूल के बीच हुआ, जिसमें डाटा स्कूल ने अपने प्रतिद्वंदी टीम से ज़्यादा गोल कर मैच जीता। SCR दादरी और स्कॉलर ग्लोबल झज्जर के बीच आयोजित मैच में स्कॉलर ग्लोबल झज्जर की टीम ने 5 गोल कर शानदार जीत हासिल की। ये सभी मैच CBSE निरीक्षक सुधीर मान, सुरेंद्र जून और देवेंद्र जून की देखरेख में किए गए। दूसरे दिन स्कॉलर रोसरी रोहतक और वेदांश इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के बीच हुआ। लगभग सभी टीमों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ मैच खेले। खिलाड़ियों का हौसला वर्धन करने के लिए दहिया खाप के प्रधान जयपाल दहिया भी स्कूल प्रांगण में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आज खेल वह मंच है जिसमें हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधक कुलदीप दहिया, कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया तथा प्राचार्य दिनेश शर्मा को बधाई दी और इतना अच्छा आयोजन कर इस फुटबॉल मैच को सार्थक बनाया। ये हमारा बिरला इंटरनेशनल स्कूल खरखौदा में क्लस्टर 15 CBSE चल रही है और ये टूर्नामेंट 26 से आरंभ हुआ था और आज इसका 3रा दिन है। आज जो मैच हुए हैं वो इस प्रकार है, वेदास इंटरनेशनल गुरुगावा ने RPS खाटोर महेंद्रगढ़ को 1-0 से, DPS सेक्टर 19 फरीदाबाद ने PDM बहादुरगढ़ को 0-2 से 2-0 से, और लिटिल एंजल सोनीपत ने डट्टा पब्लिक स्कूल हिसार को 2-0 से, मॉडर्न सेकेंडरी सेक्टर 87 फरीदाबाद ने हिंदू विद्यापीठ सोनीपत को 1-0 से, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार ने जो है उसने स्कॉलर ग्लोबल झज्जर को 3-0 से,
सेंट जॉन सेक्टर 7 फरीदाबाद ने डीपीएस महेंद्रगढ़ को 2-0 से, हेरिटेज गुड़गांव ने सेंट थॉमस बहादुरगढ़ को 3-0 से, रमन मुंजाल गुड़गांव ने बेस मॉडल दादरी को 3-0 से हराया। अभी तक ये हमारे आज के 8 प्री क्वार्टर फाइनल मैच हो चुके हैं और इसके पश्चात हमारे अभी 4 मैचेज और रहते हैं जो इस प्रकार हैं, होली चाइल्ड रिवाड़ी वर्सेज हर्ष इंटरनेशनल जीन, और ये जी गेटवे सोनीपत वर्सेज वेदास इंटरनेशनल गुड़गांव, सेंट जॉन सेक्टर 7 फरीदाबाद वर्सेज डीपीएस सेक्टर 19 फरीदाबाद, और आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार वर्सेज हेरिटेज। ये चारों मैच प्री क्वार्टर फाइनल के आज शाम को खेले जाएंगे और ये हमारी प्रतियोगिता आज जो है तीसरे दिन में पहुंच चुकी है। हरिद्वार से पदक लेकर लौटे खिलाड़ी 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हरिद्वार के श्री योग अनुभव ट्रस्ट खरखरी में हुई ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2023 में अंडर 14 व अंडर 12 में पदक लेकर लौटे 2 खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। इस कराटे चैंपियनशिप के मुकाबले में स्वतंत्र मिडिल स्कूल के खिलाड़ी लक्की गौतम ने सिल्वर मेडल लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसी प्रतियोगिता में अंडर 12 में कांस्य पदक प्राप्त किया। दोनों ही खिलाड़ियों का विद्यालय में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अध्यापक सुनील कुमार ने कहा कि इससे पहले भी कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मेडल लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया है, भविष्य में भी इन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। इससे पहले स्टेट लेवल प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर कोच विकास मिडलान भी उपस्थित रहे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में होने वाले 39वें राष्ट्रीय गेम्स विशु खेल में प्रताप स्कूल खरखोदा के 9 खिलाड़ी रवाना हुए। खिलाड़ियों में आशीष 48 किलोग्राम, अनुज 52, अमित राठी 60, रवि सचिन 65, योगेश व्या जतिन 80 किलोग्राम में भाग लेंगे। उपरोक्त सभी खिलाड़ियों ने जून में आयोजित हुई सीनियर नेशनल विश्व चैंपियनशिप में पदक प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी खिलाड़ियों का चयन नेशनल गेम्स के लिए हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया व विशु कोच विनोद गुलिया ने शुभकामनाओं और आशीर्वाद देकर रवाना किया। इस अवसर पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि इन खिलाड़ियों ने पहले भी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अमित राठी, रवि, सचिन व रवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेशनल गेम्स में भी इन खिलाड़ियों से पदक की पूरी पूरी उम्मीद है। विद्यालय में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विशु का खेलो इंडिया सेंटर खोला गया है। प्रताप स्कूल खरखोदा के विशु खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 व राष्ट्रीय स्तर पर 203 पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम भविष्य में भी भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से इसी प्रकार अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं विनोद गुलिया, उसु कोच प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे 9 खिलाड़ी नेशनल गेम्स में हरियाणा की ओर से भाग लेंगे और इनसे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल प्राप्त करके आएंगे, और इससे पहले भी इन खिलाड़ियों ने अनेकों बार पदक प्राप्त किए हैं। और 2 बच्चे जो हमारे हैं अभी सिलेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वे भी नेशनल गेम्स में जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं ये खिलाड़ी, और हम इनको उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल लेके आए। और इनका श्रेय मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको जाता है सभी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए वह हुड्डा साहब का साथ दें।
आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें सीएम बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।